तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और हम भी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वहाँ बता रही थी तमर वो फ्रेंड्स। सुबह सुबह ना आज मम्मी का चश्मा घूम गया था। मम्मी ने जहाँ पे रखा मम्मी जो को वहाँ मिला नहीं, और वो मिला फिर दूसरी जगह से। पता नहीं मम्मी ने रखा है फिर बच्चा ने रखा। फिलहाल तो मम्मी का चश्मा मिल गया है। रिलैक्स भी, धूप का मजा ले रहा अपना। यहाँ कितना ही वो कर लो, पर यहाँ पानी जरा जरा सा यहाँ आता ही रहा है। यहीं भरा रहा है वो। मैं ला रही वाइपर से सूख दूंगी। तुम्हारी हल्की से खाट करोगे यहाँ से? नहीं, थोड़ी बहुत देर को बैठोगी। चलो मैं कहाँ जी। तो कितना आराम से बैठे धूप में, नहा धो के देखिए फ्रेंड, धूप में कितने अच्छे बैठे। और आज कान्हा जी ने कुर्ता धोती, नहीं धोती नहीं है, पजामा था है ये, शर्ट और पजामा ये पहन रखे हैं। और ये भी पिछले साल मैंने ही बनाए थे। और ये है इनकी पगड़ी। रैक्स भी अपना धूप में लेटा, कपड़े मैंने से सुबह ही पहना दिए थे, तो अभी फिलहाल तो धूप ले रहा मैं। मम्मी भी धूप ढूंढती रहा, जहाँ जहाँ धूप आती चली जा मम्मी, वहीं वहीं चलती चली जा। पहले बाहर बैठी थी, फिर बरामदे बैठी, अपनी चाल ली जैसे चावलों में गेहूं मिला रखे। पहली औरतों की बात नहीं सुनी थी कि पहली सासू ऐसी हुआ करती थी, बहू को ठाली नहीं बैठने दे थी, और किसी चीज़ में कुछ मिला कर उनका कह देते जहाँ उनका काम निपटा लो, उनको ले चुग लो तंग करने को बहुओं को है। तो अब मुझे वो फीलिंग आ रही है बिल्कुल, देख कर मौका मम्मी जी ऐसे लिए बैठी, कभी पता चला बहुओं ने चावलों में गेहूँ मिला दिए, सासू को दे दिए चुग ले, सासू को काम बता दिया, टाली ना बैठा है इसे थोड़ा थोड़ा आना। मम्मी दिग्गी ना बैठी हुई तुझे अब जा है भाई, दिख गया तुझे बैठी हुई, अब बैठ गई धूम में आगे अम्मा, अब तेरे स्टार्ट होगा काम। चल रुक जा रुक जा रुक जा, चल इस बॉल का तने क्या बना दिया, मगर इस बॉल का तने क्या बना दिया, कहाँ बंधेगा? माँ तो आज परात रखी, माँ तो परात रखी, जहाँ तू बैठने की कोशिश कर रहा इधर बांध देंगे। देख अम्मा के पास ही आ गया ना बिल्कुल, अब यहीं बैठा रही आराम से। इसे नहीं हो रहा था, अम्मा बैठ गई, रुक के तार दे तो मैं देखते ही अगर मैं रह गया खेलना, मुझे भी धूम मिल रहे हो। और फ्रेंड मम्मी भी नीचे आ गई है, मम्मी अंदर ही बैठी हुई है। मम्मी धूप में बैठ के जो है चुग रही है चावल, और मैं अभी लगा रही हूँ सारे में झाड़ू। तो सबसे पहले आज बाहर ही लगा रही हूँ झाड़ू, फिर अंदर लगाऊंगी बैठक में भी और बरामदे में और अंदर आंगन में। तो पहले मैं चौतरे पर लगा रही हूँ, हल्की हल्की सी धूप निकलने शुरू हो चुकी है। और देखिए मैंने ना कल झाड़ू नहीं लगाई थी बाहर चौतरे पे, और एक ही दिन में कितनी धूल हो रही, क्योंकि रास्ता पूरा दिन चलता रहता है ना, तो ट्रैक्टर बुग्गी और जो गन्ने की ट्रोलियाँ वगैरह इतनी जाती हैं तो बहुत धूल उठती है। तो एक दिन में ना बहुत सारी धूल जमा हो जाती है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बाँस वाले झाड़ू से या रड़के से भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे ना धूल इकट्ठी नहीं होती है अच्छे से बिल्कुल भी। तो फूल झाड़ू से लगाती हूँ, तो फूल झाड़ू से बिल्कुल साफ़ हो जाता है सारी धूल, बारीक बारीक धूल भी जो है वो भी सब इकट्ठी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं बाहर आंगन में, तो जो अंदर आंगन में तो मैं रड़के से भी लगा देती हूँ, लेकिन बाहर चौतरे पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बस मैं इससे लगाती हूँ, अच्छा लगता है इससे। ये नहीं कि जरा मर सी धूल बच गई ना, आती बिल्कुल साफ़ हो जाता है ये। और देखिए रास्ता चल रहा है स्कूल के, सुबह सुबह स्कूल की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, कुछ बच्चे जो गाँव में पढ़ते हैं वे बच्चे जा रहे हैं। बस सुबह सुबह यही है, कोई बुग्गी लेके जा रहा, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा अपना यही है, कोई खेत में जा रहा है, कोई कहीं। तो सुबह सुबह सब बिजी हैं, सबका काम अपना चल रहा है। तो मैंने हल्का सा निकाला हुआ है पल्ला, क्योंकि सिर पे पल्ला भी होना ज़रूरी है, और हल्का सा आँखों पे भी, क्योंकि बड़े बड़े आदमी भी होते हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं सभी तरह के हैं। तो रास्ते पर बाहर की तरफ हम बिना पल्लू के नहीं जा सकते, अंदर तो चाहे हम कैसे भी रह लें लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो बस अभी मेरी यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी, और फिर मैं अभी लगाऊंगी अंदर झाड़ू। और अंदर मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है,
अभी मैं आई थी इधर फुलवारी की तरफ, और यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा वो होता है। एक तो टफी ना क्या है ना, पूरी रात इतना शरारत करता है, एक तो जो भी कोई नया पौधा उगता है ना उसे फाड़ देता है, और जो गमलों में मिट्टियाँ होती हैं या ज़मीन में जो गमले हैं बने हुए हैं थावले से, उनकी मिट्टी सारी मिट्टियाँ निकाल देता है, पूरी ना पूरे ईंटों में इनमें इतनी बुरी तरह से भर देता है बहुत ज़्यादा। तो ये निकलने भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बारीक बारीक सी ईंट के बीच में दूबड़ा सा हो रहा था घास जो होता है वे, तो उसे भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूंगी। और इस यहाँ पे इसी वजह से मैं फूल झाड़ू से लगा रही, जिससे कि ये सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाए। बाहर तो मैंने पूरे मसारू झाड़ू लगा दी है, बस यहीं पे रह रही थी, तो यहाँ पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस जो रह गया ना तो फिर वो काम रह ही जाएगा। तो जितना भी काम एक बार के में निमट जाता है निमट जाता है, फिर जो रह जाता है ना तो फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा हल्का सता है। तो बस अभी मैंने झाड़ू संभाली हुई ना, तो जहाँ जहाँ मुझे झाड़ू लगानी है सबसे पहले मैं झाड़ू का ही काम निपटाऊँगी, और उसके बाद जो है अपने डंगरों को नहलाने हैं मुझे, और उसके बाद जो है अंदर बैठक में और बरामदे में पोचा लगाना है, बस फिर मेरा नीचे का काम फाइनल हो जाएगा और फिर चलेंगे हम ऊपर। ओ फ्रेंड, दोपहर का खाना पीना सबका हो चुका है, और आज ना दूध थोड़ा सा मैंने फालतू ही रखा हुआ था। आज मुझे जो है पनीर बनाना था थोड़ा सा, कुछ मैंने सब्जियाँ ले ली हैं अभी बच्चों का आने से पहले पहले जो है मुझे इनकी कटिंग करके रखनी है, फिर उनकी जो मुझे बनानी है खिचड़ी पीले वाली, और तो सबकी भी वैसे और सबकी भी ना खिचड़ी ही बनी थी, तो वो थोड़ा जल्दी बनी थी, और अब मैं बना रही हूँ दोबारा से बच्चों की, क्योंकि बच्चों के टाइम तक तो ना बिल्कुल बासी हो जाती है वो, बहुत ठंडी सी कैडी सी हुई। और देखिए दूध भी मेरा अच्छे से उबल चुका था, तो अभी मैंने इस पर डाल दी है। और ये आज मैंने नींबू नहीं डाला है, नींबू का जैसे निचोड़ के रस डाल देते हैं, आज मैंने डाल ली है इसमें टाटरी, तो टाटरी से भी दूध फटता है, बड़ा अच्छा फट जाता है। तो जब नींबू नहीं होता तो हम टाटरी से ही फाड़ते हैं, वो मैंने अच्छे से पीस ली थी और इसमें जो है टाटरी डाल दी है। अब ये अच्छे से फट जाएगा, और फिर जो है मैं साथ में जो है अभी खिचड़ी बना रही हूँ। दूध जो है मेरा पनीर फट चुका था, वो मैंने साइड में कर दिया ठंडा होने के लिए, और अभी मैंने रख दिया इंडक्शन पे कुकर, इसमें तेल भी चढ़ा दिया है, और अभी जो मैंने प्याज लहसुन ये काटी हुई थी ये डाल दूँगी, इनको भून लूँगी। फिर बाद में जो है मैंने टमाटर भी काट लिए थे, और गाजर और दो आलू बस ये काटे हुए थे, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है, ज़्यादा बनानी थी, तो ये सब कट गए हैं। मसाला मेरा अच्छे से भून चुके हैं, प्याज और लहसुन, और इस टाइम तो मैं लहसुन को डाल लेती हूँ जब बच्चों के अलग से बनाते हैं, वरना जो सबकी पूरी फैमिली की बनती है ना उसमें कम ही डालते हैं, क्योंकि फिर हम कान्हा जी को नहीं दे सकते। और चावल मैंने पहले ही साफ़ करके जो है पानी में भेग रख दी थी आधा घंटा पहले, तो वो तो मैंने पहले ही भेग रखे हुए हैं, और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब चावल पहले ही भेग रख लेते हैं तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से खिचड़ी बन जाती है। तो मसाला अच्छे से भून चुका था, टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल के जो है कुछ देर के लिए ढक के रख दिया है, जिससे अच्छे से टमाटर पक जाए, और जब टमाटर अच्छे से पक चुके हैं तो उसमें थोड़ा सा देर के लिए जो है मुझे वो मैश करने हैं, ज़्यादा महीन नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ही करूँगी, और फिर उसमें जो है मुझे चावल डाल देने हैं, सॉरी चावल नहीं अभी डालने हैं, मुझे अभी जो मैंने सब्जी काटी हुई थी गाजर और आलू, तो पहले थोड़े से पानी में इन्हें पकाना है, क्योंकि फिर ना चावल बहुत जल्दी से बन जाते हैं, और फिर जो गाजर है थोड़ी सी कच्ची कच्ची रह जाती है, तो सबसे पहले मैं इनमें एक खद्दा लगाऊंगी, जब ये अच्छे से पक जाएंगे तब मैं इसमें चावल डालूंगी। और फ्रेंड थोड़ी सी देर के बाद ही इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, और मैंने चेक कर लिया था गाजर और आलू अच्छे से पक चुके हैं, अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, और बस बंद करके मिक्स करके अच्छे से बंद करके रख दिया है, बिल्कुल एक ही सिट्टी मुझे इसमें लगानी है, और पानी मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा घुट में खिचड़ी नहीं चाहिए, थोड़ी सी खिली खिली सी ही चाहिएगी। और देखिए फ्रेंड कितना अच्छा पनीर बना है हमारा, जो हमने रखा था अभी पनीर ठंडा हो चुका है, और तो इसको मैं रिता लूँगी। एक मैंने नीचे छन्नी रखी हुई है, और इसमें के ऊपर रख दिया है एक छोटा सा कपड़ा, तो इसमें मैं जो है इस सारे पनीर को रिता लूँगी, और कुछ देर के लिए जो है इसको निचड़ने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं इसे ऐसे ही करके और यहाँ कहीं बांध के, और जो जिसमें बर्तन रखते हैं उस रैंक पे ही टांग देती हूँ, तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है, और फिर इसको जो है बंद करके एक कटोरे में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख दूँगी, सुबह तक हमारा पनीर जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड हम जब भी पनीर बनाते हैं ज़्यादातर अपने घर पर ही बनाते हैं, और बड़ा अच्छा बनता है घर का पनीर।
और फ्रेंड बच्चे भी आ चुके थे, खिचड़ी में हमारी बन चुकी है। और आज ज़्यादा पीली खिचड़ी नहीं बनाई मैंने, थोड़ी वाइट वाइट सी ही बनाई है क्योंकि हल्दी बहुत थोड़ी सी डाल ली थी। तो बच्चे आ चुके हैं, बच्चों को अभी देते हैं खिचड़ी। और फ्रेंड देखिएगा, आप भी आइए खाइए हमारे साथ खाना। गई थी क्या आप उनका घर? हाँ। और फ्रेंड देखिए मेरे दोनों सूट सिल के आ गए हैं। फोन करके बुलाए थे ना मैं। अच्छा आज ही कह रही थी, मगर जीजी ने सूट नहीं दिए। मैं आज ही कह रही थी, मगर ठंड सी होने लगी, जीजी ने सूट देखो गला कैसा। चल सही है गला भी, बाजू ये पैंट प्रेस कर ली और पेपर तो हो रही इसमें कुछ क्या दिखे ये प्रेस तो मकालू इसे तो काना जी की ड्रेस ना बना देती है इस कपड़े की गरम की। अच्छा चलो रख लूंगी फिर, जब उन्हें टाइम से होगा ना जब दे दूंगी वापसी में तो काना जी की एक ड्रेस बना लूंगी गरम कपड़े की, अभी रख लूंगी। ये सुकड़ी नहीं पहन पूरा ना, हमारा सबका काम निबट चुका है, खाने पीने का भी जो है सबका काम हो चुका है और हमने जो है बिस्तर भी सबके लगा दिए हैं, तो ये तो काम हमारा निबट चुका है। बस अभी मुझे ना दूध घोल करके वे देने बाकी है। और फ्रेंड आज ना थोड़ा सा नुकसान हो गया, ये जो मेरी रिंग लाइट थी ना ये इस पर लगी हुई थी हैंडल पे, ये पता नहीं टूट गई, कैसे टूट गई। अब ये मैंने रखी हुई थी किचन में, मैं कुछ काम कर रही थी किचन में जब बना रही थी, और वो बस एकदम से रैक्स आया ना तो वो, अरे कहाँ फंस गया भाई, निकल जा, निकल गया। तो वो रैक्स आया तो उसने ये हिला दी और ये पता नहीं मतलब गिरी तो है नहीं पर ये हैंड जो रिंग लाइट है ना ये बस ये मुड़ गया से। अब इसका कल को जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, कैसे करेंगे कैसे नहीं, बंसी देखेगा इसको ये होगा नहीं होगा या दूसरी मंगानी पड़ेगी, तो चले देखते हैं कल देखेंगे। तो जी चलिए, कान्हा जी का मैंने बेड ले लिया है, कान्हा जी का कंबल ये है और कान्हा जी का बेड ये है। अभी मैं कान्हा जी को भी लिटाती हूँ, उनका भी बिस्तर लगाती हूँ और कान्हा जी को दूध भी पिला दिया है, उनका खाना पीना भी हो गया। और इस ब्लॉग का भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।